आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि जिस इंटरनेट का हम दिन रात उपयोग करते हैं, आखिर उसका मालिक कौन है। जब आप किसी कंपनी जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो आदि को डाटा पैक के लिए कुछ पैसे देते हैं, तो आपके मन में ये सवाल भी होगा कि ये कंपनी इंटरनेट के लिए किसे पैसे देती है। इसे समझने के लिए हम पहले ये जानेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है और उसके बाद जानेंगे कि इंटरनेट का मालिक कौन है। मान लीजिए आप अभी इस वेबसाइट के इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, तो इस आर्टिकल को आप हजारों किलोमीटर दूर रखे वेबसाइट के सर्वर से प्राप्त कर रहे हैं। जब वेबसाइट के सर्वर से आपके मोबाइल या पीसी पर ये आर्टिकल आ रहा है, तो उस सर्वर और आपके मोबाइल के बीच एक कनेक्शन बन रहा है और इसी कनेक्शन के लिए आपको रुपए देने पड़ते हैं। ये रुपए आप नेशनल लेवल की कंपनी जैसे रिलायंस, एयरटेल, आइडिया या लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर को देते हैं। लेकिन ये नेशनल कंपनी की पहुंच सिर्फ अपने देश तक होती है, इसलिए ये कंपनियां इंटरनेट के लिए इंटरनेशनल कंपनी को पैसा देती है। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे तीन भागों में बांटेंगे। टियर एक, ये वह कंपनी होती है, स्प्रिंट यूएसए स्लोवाकिया पीएलडीटी सेंटर नेट कोष्टक डॉट, जिन्होंने समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछाकर एक दूसरे देश को केबल के जरिए कनेक्ट किया है। इन कंपनियों ने अपने खुद के पैसे या अलग अलग इन्वेस्टमेंट से केबल को समुद्र में बिछाया है। इन केबल के जरिए ही हम इंटरनेट चला पाते हैं। ये कंपनियां नेशनल लेवल की कंपनियों से पैसा लेती है। टियर टू, ये नेशनल लेवल की कंपनियां होती है, जैसे एयरटेल, आइडिया, रिलायंस जो हमें या लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर वाईफाई से इंटरनेट उपलब्ध कराती है। टियर तीन, ये लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर वाईफाई कंपनियां होती है, जैसे हाथवे स्पेक्ट्रो नेट, जिन्हें हम महीने के हिसाब से पेमेंट करके इंटरनेट यूज करते हैं। ये कंपनियां नेशनल लेवल की कंपनियों आइडिया, एयरटेल, रिलायंस को पैसा देती है। जब हम किसी इंटरनेट के डेटा पैक के लिए कंपनी को पैसा देते हैं, तो पैसा नेशनल लेवल की कंपनी के पास जाता है और उसके बाद इंटरनेशनल कंपनियों के पास जाता है। लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनियां किसी को पैसा नहीं देती है। अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट का मालिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कई इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो कि हम तक इंटरनेट पहुंचाती है।